नमस्कार दोस्तों, इंडिया न्यूज 28 जल्द लेकर आ रहा है देश प्रदेश की दिन भर की खबरें। तो देखते रहिए प्रतिदिन रात 8 बजे मेरे साथ से इंडिया न्यूज 28 पर खबरें दिन भर की। स्वागत है आपका इंडिया न्यूज 28 में, मैं हूं आपके साथ महिमा सक्सेना। आइए बात करते हैं महाराष्ट्र की कुछ खास खबरों की। महाराष्ट्र के नासिक जिले के बागलान तालुका के ततानी गवर्नमेंट आश्रम स्कूल में उत्साही माहौल में महाराष्ट्र दिन मनाया। महाराष्ट्र के नासिक के बागलान के ततानी गवर्नमेंट आश्रम स्कूल में महाराष्ट्र दिन उत्साह से मनाया। महाराष्ट्र दिन के अवसर पर प्राइमरी अध्यापक डीएन पाकलवाड़ ने महाराष्ट्र दिन के बारे में जानकारी दी और ततानी आश्रम स्कूल के मुख्य अध्यापक जेके सोनवने ने फ्लैग होस्टिंग किया। इस कार्यक्रम में ततानी आश्रम स्कूल के अध्यक्ष आर आर पवार, अध्यक्ष का मीनाक्षी सोनवने, स्कूल के वरिष्ठ अध्यापक चोरे और सभी अध्यापक अध्यापिका कर्मचारियों के साथ स्कूल के बच्चे मौजूद हैं। नासिक से ब्यूरो चीफ नारायण भोई की रिपोर्ट। भाषावार प्रांत रचनेची आयोगाची निर्मिती झाली आणि या निर्मिती आयोगाचे अध्यक्ष फाजल अली यांच्या अध्यक्षतेखाली भाषावार प्रांत रचनेनुसार प्रांतांची निर्मिती करण्यात येऊ लागली। 1 मे 1960 रोजी आपल्या मराठी भाषिकांचा महाराष्ट्र हा भाषावार प्रांत रचनेनुसार 14वे राज्य म्हणून निर्मिती झालं। त्या अगोदर गुजरात, मुंबई, महाराष्ट्र हे सर्व एकत्र होतं आणि त्यानंतर खूप अशा हुतात्म्यांचं बलिदान आपल्या या महाराष्ट्रातून गेल्यानंतर त्यांनी बलिदान दिल्यानंतर त्यांच्या या बलिदानाला आपण कुठेतरी स्मरणासाठी आपल्या महाराष्ट्राच्या वैभवासाठी आज आपण 1 मे हा महाराष्ट्र दिन म्हणून साजरा करतो आणि त्याचबरोबर कामगारांच्या त्यांच्या प्रश्न, त्यांचं वैभव, त्यांचं जे काही असेल त्यांच्या प्रत्यर्थ आज 1 मे हा देखील कामगार दिवस म्हणून आपण साजरा करत असतो। तर आजच्या या कार्यक्रमाचे अध्यक्ष आपल्या शाळेचे मुख्याध्यापक माननीय जे के सोनवणे सर यांना मी अशी विनंती करतो की त्यांनी आजच्या कार्यक्रमाचं ध्वजारोहण करावं।